चलिए एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती आज है और कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। द्रोणाचार्य स्टेडियम में समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। रन फॉर यूनिटी दौड़ का भी आयोजन हुआ। मैराथन की सीएम नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाई है और ऐसे में लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती आज कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह। द्रोणाचार्य स्टेडियम में समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन और ऐसे में मैराथन को सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं। इस महान व्यक्तित्व को नमन करने के लिए जिनकी 150वीं ये जन्म जयंती हम मना रहे हैं, इस अवसर के ऊपर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का ये बड़ा सुंदर सहयोग है। आज दीपावली का भी हम पर्व मना रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा है और लोग पूरे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं ये जयंती है। आज पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज मना रहा है। यहां रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी इसी उपलक्ष में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव को और अधिक मजबूत करना है। आज पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरा हरियाणा राष्ट्र की एकता के लिए दौड़ लगा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर विभिन्न मंत्री और अन्य जनसेवक भी इस दौड़ का शुभारंभ कर रहे हैं। आज की सुबह एक नया संदेश लेकर के आई है। सुबह होते ही बड़ी संख्या में हमारे बच्चे, युवा एवं वरिष्ठ नागरिक लौह पुरुष को नमन करने के लिए इस रन फॉर यूनिटी में भाग ले रहे हैं। द्रोणाचार्य स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। रन फॉर यूनिटी दौड़ का भी आयोजन हुआ। मैराथन को सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाई है। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती आज और ऐसे में कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। द्रोणाचार्य स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं जहां पर समारोह का आयोजन किया गया है।